मैं अभी जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं माइंड डिटॉक्स की माइंड वर्ड ये बहुत ही टेक्निकल लगता है लेकिन अगर हम मन की बात करें जब हम बोले कि हमारा मन नहीं कर रहा आज कुछ भी करने का या हमारा मन कर रहा है कि हम वहाँ जाए तब हमें खुशी मिलेगी या हम वो डॉक्टर के पास जाए तो मेरा शायद जो मुझे फीलिंग चाहिए कि मैं हेल्दी बन सकती हूँ वो मिलेगी मन अपने आप में एक ऐसा मैं कहूँ तो मशीन है जिसके अंदर फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है वो फ्यूल क्या होना चाहिए ताकि चाहे वो डेली बेसिस पे हो चाहे वो आप डिफरेंट टेक्निक्स हमें बता सके अगर कि अपने मन को हम किस तरह से डिटॉक्स कर सकें एक्चुअली जैसे रेमेडीज़ है ना शारीरिक स्तर पर सबके लिए अलग अलग रेमेडीज़ काम करती हैं जी सभी के लिए कुछ रेमेडीज होती है जो कॉमन है जो सब पे ऊपर काम करेंगी जी। लेकिन कुछ रेमेडीज हमारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई होती है अच्छा क्योंकि अगर हम होम्योपैथी की स्टडी को समझे होम्योपैथी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ कैरेक्टर अच्छा वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स को और स्वभाव को स्टडी करता है ओके उसी के बेस्ड पर होती है होम्योपैथी मेडिसिन जिससे एक व्यक्ति ठीक हो जाता है तो इसलिए ये समझ में आता है कि जब एक ही रेमेडी सबको ठीक नहीं कर पाती वो क्यों दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ़ द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स अच्छा यस yes, सपोज दस लोग हैं दस के दस लोगों को थायरॉयड है right. या वो दस के दस लोगों को डायबिटीज है किसी को सर्दी ज्यादा लगती है किसी को उनमें गर्मी ज्यादा लगती है right. कोई लोग ऐसे मिलेंगे जिसको सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगती है <laughs> और कोई आपको ऐसा मिलेगा वो कहेगा मुझे तो स्वेटिंग इतनी होती कि एसी भी चला दो तो स्वेटिंग हो रही है right. कोई व्यक्ति कहेगा मुझे तो पंखे में भी गर्मी नहीं लग रही राइट right. मेरे लिए पंखा भी ठीक है hmm. मुझे एसी की जरूरत ही नहीं है सो वॉट इज दिस दिस इज करेक्टर तो जब ये डिफरेंस आ जाता है तो यहाँ पर हमारे माइंड डिटॉक्स से भी जुड़ी हुई चीजें डिफर कर जाती हैं करेक्ट मान लीजिए किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करने में सुख मिल रहा है जी। कि उसने अपने मन का सारा बोझ एक कागज पे उतार दिया डायरी में उतार दिया तो उसको लगा कि बस अब मैं रिलैक्स हो गया मैंने सारा कुछ यहां से लिख दिया और लिख देने से मुझे अच्छा लग रहा है आई एम रिलैक्स आई एम लाइक फ्री ऑफ एवरीथिंग राइट तो वो, वो उसका है बिल्कुल पर सिस्टर ऐसा भी होता है कि जब कोई मैंने ये सुना भी है कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं ना या हमारे आंखों के सामने आ जाता है तो वो उसका बड़ा रूप ले लेता है ऐसी भी मैंने सुना है तो ये कैसे पॉसिबल है जो व्यक्ति इस तरीके से अफॉर्म कर रहा है कि उसकी यहाँ की चीज़ लिखी गई और उसने उसको रोज़ पढ़ना है फिर तो वो बढ़ेगा ही राइट right. लेकिन जब हम उसको लिख करके खत्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी से फिर वो नहीं बढ़ सकता ओके एंड इट डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल मैं वही चीज आपसे शेयर कर रही थी कि किसी को तो लिख के अच्छा लग रहा है जी और किसी व्यक्ति को अपने मन की उस बातों को चार लोगों को सुना के अच्छा लग रहा है <laughs> वो कहता है कि मेरे मन में हलचल है मेरे मन में मतलब चल रहा है कुछ कुछ मुझे तो कोई चाहिए जिसको मैं सुना दूं। और जब वो चार लोगों को सुना देता है ना अपनी बात तो उसको बड़ी शांति मिलती है उसको बड़ा चैन आता है ये बात और है कि उसके बाद वो चार आदमी किस <laughs> लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है okay. the yeah. so, yeah. अगर मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपनी मन की बात अपने दोस्तों से या क्लोज वन या अपने पार्टनर से या पेरेंट्स से शेयर करके अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर लीजिए right. अगर आपको लिख करके उसको खत्म कर देना अच्छा लग रहा है तो वो कर दीजिए अगर आपको ईश्वर को खत लिख करके उसको खत्म करना अच्छा लग रहा है उसको सरेंडर कर देना अच्छा लग रहा है तो वो वो कर दीजिए और अगर किसी को बैठ करके मेडिटेशन में उन चीज़ों को हमेशा के लिए अपने अंदर से जला देने का और खत्म करना अच्छा लगता है तो वो कर लीजिए सो दिस इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर्स वी हैव जी सो वी शुड शुड नो नो आई रेक्टर राइट एवरी पर्सन एक्चुअली हर पर्सन को पता होता है हर बंदे को पता होता है कि उसको क्या करके अच्छा लग रहा है क्या करके मजा आ रहा है और क्या करके अच्छा नहीं लग रहा है राइट तो ये चीजें तो हम सभी की निजी हैं हम सभी की पर्सनल हैं इसीलिए मैंने पिछले एपिसोड में ये कहा था कीटल डी टॉक्स और माइंड डी टॉक्स इज समथिंग विच इज माई थिंग इट इज नॉट टू बी डन बाई एनी एक्सटर्नल डॉक्टर जी बट येस yes, देर इज़ वन मोर आस्पेक्ट ऑफ इट दैट इज़ हाँ काउंसिलिंग एकदम सही कहा आपने क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है सिस्टर कि इतने सारे काउंसिलर्स हो गए हमारे आसपास और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों लोग को सुनने का काम कर रहे हैं उन लोगों को बेटर करने का काम कर रहे हैं साथ ही साथ इसमें ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की है सिस्टर कि जब काउंसिलर्स हमारी लाइफ में आते हैं ना तो हम शायद बहुत कुछ बेंट आउट करना चाहते हैं इसी लिए उनके उन, पास जाते हैं और सारा हमारा बोझ जो सर का रहता है हम उनको जा कर के दे देते हैं आपने जैसे कहा कि अगर आप उनको बोलने से भी बेटर फील हो रहा है गुड लेकिन अगर वो चीज़ हम एक हैबिट बना ले पूरी लाइफ हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़े अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए ये किस हद तक सही है तो एक्चुअली ये जो सवाल आपने पूछा ये एक्चुअली बहुत अहम है खास करके आज के सिनारीयों में जहाँ पर मेंटल इशूज़ एंड साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं काउंसलर्स प्ले अ वेरी गुड रोल और काउंसलर्स का होना या उनके पास जाना जब आप लगे कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है सर के ऊपर से जा रहा है पानी हमारे हाथ में नहीं है मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरे बस में नहीं है वी शुड सीक अ काउंसलर वी शुड गो टू देम और अपनी बातें अपनी प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन्स जो नहीं समझ में आ रहा कि इसका सलूशन क्या है या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर नहीं पता चल रहा और आपको लगता है कि फैमिली में भी कोई नहीं है जिससे मैं कहूँ और मुझे कहीं से सोल्यूशन मिल सके तो वी शुड सीक अ काउंसलर फिर आप उस काउंसलर के पास जाकर के अपनी सारी बातें शेयर कीजिए उन्हें बताइए उन्हें कहिए एंड वेन

लाइफ में कि आपको कैसे सक्सेसफुल बनना है कैसे स्टेबल बनना है ऑल दैट एक होता है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आप हर बार जा के उसे वेंट आउट करें इससे क्या होता है मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हम ना अपने आप को बीमार महसूस करते हैं कहीं ना कहीं हमें लगता है भले हमको पता नहीं है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं लेकिन अनकॉन्शियसली वो चल रहा होता है माइंड में कि मैं स्टेबल नहीं हूँ इसीलिए मुझे किसी स्टेबल इंसान की ज़रूरत है मुझे स्टेबल करने के लिए तो yes. वो जहाँ पर जरूरी है वहाँ तक ठीक है जैसे आप अभी कह रहे थे कि वा जहाँ तक आप क्योर नहीं हो रहे तब तक आपको वो करना चाहिए लेकिन आपको जब लगे कि नहीं अब मैं स्टेबल फील कर रही हूँ तो वो आइडेंटिटी से भी निकलने की ज़रूरत है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं तो वो आइडेंटिटी ही हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है एम आई राइट येस ऑफ कोर्स और इसमें एक और पहलू जुड़ता है कि हम जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वी नीड समबडी हु इज स्टेबल फॉर माई अनस्टेबिलिटी राइट तो ये चीज़ क्यों है क्योंकि वो जो स्टेबल पर्सन है जिसके पास आप जा रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम सुन के आपकी प्रॉब्लम का दुखड़ा नहीं रोता जी वो आपके दुख में गमगीन नहीं हो रहा वो व्यक्ति एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है साक्षी होके पहले सुनते हैं yes. फिर साक्षी होकर एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर आपको उसका सोल्यूशन दे देते हैं अगर हम माइंड डिटॉक्स करते हुए ये समझ लें कि मुझे खुद को ही एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर खुद की जर्नी को देखना है तो आप खुद को भी बहुत स्टेबिलिटी से सोल्यूशंस दे पाएंगे ओ वा सो दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन टीचेस अस मेडिटेशन कहता है कि अपने हर एक कदम को साक्षियों के देखो जी अपने हर एक रोल को साक्षियों के देखो आप अपने सुबह से लेकर रात कर रात तक की पूरी दिनचर्या को ही साक्षी होकर के देख लो तो यू विल कम टू नो कि मैंने कहाँ क्या गलती की कहाँ क्या सही किया राइट right. और जब कोई प्रॉब्लम आती है जो मुझसे ही जुड़ी हुई है बिकम अ डिटैच ऑब्जर्वर साक्षी भाव अडॉप्ट कर लीजिए अलग रह करके अपना ही रोल देखिए तो आप देखेंगे कि आपको उसका रिजल्ट और सोल्यूशन मिल जाएगा बट yeah. ये भी वही आत्मा कर सकती है जिसको थोड़ा एनलाइटनमेंट है या इस बात की समझ है या इतनी अवेयरनेस है अदरवाइज जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है वी सीक काउंसलर्स और वी सीक गाइडेंस फ्रॉम Somebody जो स्टेबिलिटी में है और जो हमें बेटर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिजल्ट्स दे सकता है बिल्कुल सिस्टर एक और बात माइंड डिटॉक्स की जब हम बात करते हैं ना ब्रह्म कुमारी इसकी अगर मैं बात करूँ ब्रह्म कुमारी इतना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं इसके अंदर में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी जैसे कई लोग आते हैं हज़ारों सेंटर्स हैं हमारे और सारे सेंटर्स पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं हर दिन आते हैं कुछ लोग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ लोग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एक तरीके से जो ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स हैं हमारे वो बहुत ही खूबसूरत रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को स्टेबल करने का जो मुझे लगता है कि जब ब्रह्मा कुमारी अपने आप में एक एक तरीके का मोर्चा लेकर निकले हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया को ठीक करना है ब्यूटीफुल प्लेस बनाना है उसमें माइंड डिटॉक्स करने में आ, सेंटरों पे जाना या फिर आ, उनके जो टीचिंग्स है उसे सीखना ये कि किस हद तक ज़रूरी है ताकि माइंड डिटॉक्स उस तरीके से भी हो सके देखिए हम हम अपनी जर्नी पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे समाइम्स वी कनेक्ट टू इंडिविजुअल गुरुज़ जी जैसे कहा गया ना गुरु बिन गति नहीं राइट right. ये हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है जी तो गुरु बिन ज्ञान नहीं गुरु बिन गति नहीं का मतलब क्या है एक्चुअली तो वो सदगुरु गुरुओं के गुरु सदगुरु परमात्मा के लिए कहा गया बट यह समवेयर और दी अदर हमें फिजिकली भी कोई चाहिए होता है राइट right. तो फिजिकली इफ वी आर कनेक्टिंग टू समबडी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एक पर्सन हो एक फिजिकल एंटिटी हो तो जब हम उनसे जुड़ते हैं उनसे जुड़ कर के हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल आस्पेक्ट कहीं ना कहीं जगता है जी तो दोस्त हु आर गोइंग टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स तो वहाँ जा कर के भी उन्हें पीस मिलता है शांति मिलती है उन्हें कहीं ना कहीं अपने सारे दिन की थकावट को दूर करने का एक ज़रिया मिल जाता है राइट right. कि वो वहाँ जा कर पीसफुल थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं एंड वैन दे मीट आर सिस्टर्स तो उनके साथ ही कई बार बैठ के शेयर कर लेते हैं तो वो लोग एज अ मीडियम एक्ट करते हैं एज अ मीडियम काम कर लेते हैं उनके साथ क्योंकि वो लोग घर जा कर के हर बात शेयर करने के uh, अगर पॉसिबल नहीं है कंफर्टेबल right. नहीं है पॉसिबल नहीं है तो उनके पास ये भी रहता है कि चलो आ सिस्टर्स आ देर वो है हमारे लिए सुनने right. के लिए तो कहीं ना कहीं वो लोग भी सुन करके के द सरेंडर इट टू गॉड वो अपने पास नहीं रखते हैं दे विल नेवर कीप इट विद सेल्व विल नेवर नेवर शेयर इट विद अदर्स तो वो एक तरह से हमने परमात्मा से शेयर कर दिया या आप उनके पास जाते हैं मेडिटेशन रूम में बैठते हैं और आप निराकार परमात्मा से ऑल से ही अपनी सारी बातें कह देते हैं जी तो वहाँ से भी आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड बहुत ईजिली मिल जाता है सिस्टर आई थिंक ये जो आप बात कर रही है ना ये बातें इतनी मीठी लगती हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी तरह से अपने आप को बेहतर फील करें तो क्यों ना करें Yes. क्योंकि uh, मंदिरों में जाना मंदिरों में या फिर ऐसे जगहों पे जाना जहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ सिखाया जाता है डिफरेंट गुरुज़ चाहे ब्रह्म कुमारी ये सभी लोग जो है ये सभी लोग अवेलेबल है आप सभी के लिए और uh, मुझे ऐसा लगता है सिस्टर कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ की बात करें तो उसके अंदर में एक और चीज़ जुड़ती है वो है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है mm -hmm. कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी में चले जाते हैं जैसे ऑब्वियसली हमें अपनी लाइफ भी जीनी है हमारे पास परिवार है हमारे पास बच्चे हैं हमारे पेरेंट्स हैं हमें सबका ध्यान रखना है mm -hmm. कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए इतना सोचने लगते हैं कि हम दूसरों को भूल जाते हैं और फिर क्या होता है हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगते हैं और जैसे ही रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं तो माइंड में सारा क्लटर बढ़ता है बिकॉज अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है लोगों से तो कही कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है हर चीज़ का चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो चाहे वो दुनियावी बातें हो चाहे वो करियर हो चाहे आपका हेल्थ हो एक बैलेंस कितना जरूरी है देखिए हम छोड़ तो कुछ नहीं सकते राइट right. जब तक जिंदगी है आखिर जीना है राइट और जब तक जीना है अपना कर्म भी करना है अपने सारे काम करने हैं ड्यूटीज निभानी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है सो इट इज़ एक्चुअली वट पाथ आई एम चूजिंग राइट इफ़ आई एम चूजिंग अ पाथ विच इज टेकिंग मी टूवर्ड संन्यास राइट अगर किसी को सन्यासी बनना है संन्यास लेना है तो फिर आप शुरू से ही uh, कुछ लोग उस तरफ और इंक्लाइंड uh, होते हैं जी समटाइम्स देर आर पीपल जब वो सिक्सटीज़ तक पहुँचते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा लेते हैं और सारे ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उसके बाद उनका दिल करता है कि बस अब बहुत हो गया now let's स्पेंड our लास्ट थर्टी ट्वेंटी और फिफ्टी फोर्टी ईयर्स वट एवर जितना भी uh, जीवन बचा है कि अब हमें एक्सप्लोर करना है परमात्मा तक और स्परिचुअली uh, रिलीजसली अलग अलग तरीक़ों से और हमें वो नॉलेज गेन करनी है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ देयर राइट सो इट इज़ ऑल इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन एवरीबडी राइट हर एक का अपनी अपनी इच्छा है हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है लेकिन एक बैलेंस होना फिर भी बहुत ज़रूरी है कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बचपन में ही सब कुछ सुनकर देख कर सब छोड़ देते हैं जी और लाइफ में थोड़ी देर बाद जा कर के उन्हें लगता है कि उनको टेम्पटेशन्स आ मिलने लगती हैं जी उन्हें लगता है कि मैंने ये नहीं करके देखा मैंने वो नहीं करके देखा मैं ये भी करके देख लूँ मैं वो भी करके देख लूँ तो फिर जा कर के डेविएशन आ जाती हैं राइट सो आई थिंक अगर आप ब्यूटिफुली स्परिचुअलिटी को अपनी लाइफ में साथ साथ रखें अपना कर्म भी करते रहें अपने ड्यूटीज़ भी करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएँ अपने परिवार को भी चलाएँ और पढ़ाई भी करें और सारा कुछ करते हुए स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखें तो आपकी जर्नी और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी बिकॉज ना तो आप किसी चीज़ से वंचित हुए लेकिन वंचित ना होते हुए भी अटैच भी नहीं हुए राइट बिकॉज स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस डिटैचमेंट राइट और दुनिया में अटैचमेंट्स हैं जी हम अपने काम के साथ अटैच होते हैं हम अपने रिश्तों के साथ अटैच होते हैं हम खाने पीने के साथ अटैच होते हैं हम अपने सराउंडिंग्स और घर के साथ भी अटैच होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें डिटैचमेंट सिखाती है वो हमें साथ साथ में बताती है कि ये सारी चीज़ें हैं बट वी हैव टू यूज इट लाइक एक मेहमान की तरह राइट right. आए हैं यूज करना है एक दिन छोड़ के चले जाना है सो स्पिरिचुअलिटी टीचर्स डीज यू नो एथिक्स और ये सारी चीज़ जब जब हमें सिखाती है तो हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल इजी और कंफर्टेबल हो जाती है एंड जर्नी इज़ वेरी स्मूथ एक्चुअली बिल्कुल विद दी हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी सो व्हाट एवर मीन्स वी टेक जहाँ भी हम जुड़े अगर स्परिचुअलिटी हमें हेल्प कर रही है और uh, हमें लगता है टेस्ट करके देखें चक करके देखे एक बार जाके देखे फिर कैसा लगता है फिर आप अनुभव करें फिर जितना आप उसको लाइफ में लेना चाहें और जितना उसको यूज़ करना चाहें उसमें हम सब का ही भला है बिल्कुल सिस्टर एक और बात आ, जब हम बात करते हैं माइंड डिटॉक्स की उसमें एक और पहलू जुड़ता है कई बार होता है कि डिप्रेस्ड होते हैं लोग Chief. क्योंकि बिकॉज इतना कुछ माइंड में भरा हुआ है भले हम लिख भी लिए शायद ऐसे लोग भी होंगे जो लिखने की आदत होगी उनको शायद ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोगों से बात करके शेयर करने की आदत होगी लेकिन हो सकता है कि उन्हें इंटरनली काफी सिवियर डिप्रेशन से वो गुजर रहे हो uh -huh. और हम अगर उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि डिटॉक्स करें शायद उनके लिए वर्क नहीं कर रहा हो तो ऐसे लोगों के लिए साइकैट्रिस्ट या फिर डॉक्टर्स जो में, मेंटली फ़िट करते हैं लोगों को उन लोगों के पास जाना वो कब वो डिसाइड करें कि अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है क्योंकि अब मेरे हाथ में नहीं है ये अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सके हमें एक रफ़ तरीके से तो क्या जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति हो तो उनको आपसे बहुत हेल्प मिल सकती है एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जी उन लोगों को ज़रूरत होती है कि हम उनको उनके ही जेल से बाहर निकालें राइट right. ऐसे लोग कई बार बहुत मायूस बहुत right. चुप बहुत अकेले और बहुत गमगीन हो जाते हैं राइट right. तो अगर हम उनको और सीरियस चीजें बताएंगे तो वो और सीरियस होते चले जाएंगे करेक्ट ऐसे लोगों के लिए जरूरी होता है कि हम उनको फन फील्ड एक्टिविटीज करवाएं राइट दे कैन गो टू साइकेट्रिस्ट दे कैन गो टू साइकोलॉजिस्ट दे कैन गो टू द काउंसलर्स बट एक्चुअली अगर ऐसे लोग अपने ही परिवार में अपने ही पार्टनर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ कर के और एक अलग अलग एक्टिविटीज़ को करना शुरू करें फन फील्ड एक्टिविटीज़ नेचर के साथ इंडल्ज होना शुरू हो नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करें तो डिप्रेशन रह ही नहीं सकता बिकॉज़ uh, कहीं ना कहीं हम हमने खुद को वंचित किया नेचर से वंचित किया रिश्तों से वंचित किया हम जो जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो खुद को अकेला समझता है जी उसे लगता है मेरे साथ कोई नहीं है इज़ फॉर मी आई एम ऑल अलोन कोई नहीं है जो मुझे सुने कोई नहीं है जो मुझे समझे ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं उनके साथ right. ऐसे ऐसे वो मान्यताएं बना लेते हैं अपने दिमाग में hmm. तो यहाँ पर जरूरी होता है कि कोई पर्सन जो उन पर फेथ करता हो जो उन्हें प्यार करता हो जो उनके लिए अपना समय दे सके कोई ऐसे पर्सन उनके साथ रहें जिनकी वजह से उन्हें लगे कि देर इज़ सम वडी फॉर मी अवेलेबल ऑल द टाइम जी एंड उसी के साथ अगर अवेलेबल कोई ऐसा नहीं है पर्सन देन ऑफ कोर्स काउंसलर्स प्ले अ वेरी गुड रोल साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी गुड रोल और इससे भी ऊपर जाकर के जहाँ दवाई की जरूरत है वहाँ दवाई भी लेनी चाहिए उस चीज़ को उस आस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड देन कनेक्टिंग विद द नेचर क्योंकि परमात्मा की प्रकृति से जब आप जुड़ते हैं जी तो वो आपको बहुत लाभ देती है और प्रकृति से याद आता है कि परमात्मा की इस खूबसूरत प्रकृति में अगर डिप्रेशन जैसी मरीज कोई हैं डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं दो चीज़ें एक है देसी गाय काउस एंड सेकेंड इज़ फिशेज़ ओके अगर आप इनके नज़दीक रहें इनको देखें उनके आ, संपर्क में रहें तो डिप्रेशन बहुत जल्दी दूर होता है okay. इनकी आंखों में देखने से उनके संपर्क में रहने से उनका जो फील है जो और है वो हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे अंदर से निकाल देता है अच्छा जी दिस इज सो ब्यूटिफुल सिस्टर मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है क्योंकि आ, ये बात तो आप सच कह रहे हैं कि आ, अगर हम किसी भी पशु पक्षी के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है एक ह्यूमन बॉन्ड और एक एनिमल बॉन्ड क्रिएट होता है साथ में yes. और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा देसी गाय का ये मुझे नहीं पता था तो ये हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे बट अगर शहरों में रहते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट है uh, देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना जी तो गाँव में जो विलेजेस थे हमारे देसी गाय सबके घरों में होती थी oh, yes, सही और घर के छोटे छोटे बच्चे प्ले स्टेशन और ये सारी चीजें तो होती नहीं थी right. और म्यूजिक और गेम्स और ये सारी चीजें नहीं हुआ करते थे लेकिन like, उनके लिए खिलौना उनके लिए जो खेलने की जरिया है या फन फील्ड जो एक्टिविटीज़ है वो घर के पशु पक्षियों के साथ ही होते थे so कहीं हैंड्स रखे होते थे तो बच्चे उसी <laughs> के पीछे भाग रहे हैं <laughs> उनके किचन्स के पीछे भाग रहे हैं right. कहीं गाय है तो गाय का बछड़ा है वो बहुत स्वीट बहुत लविंग बहुत क्यूट होते हैं right. राइट तो उनके साथ जब आप रहते हैं टाइम स्पेंड करते हैं उनको कभी खिलाते हैं कभी उनको नहलाते हैं तो यू नो यू आर लाइक प्लेइंग विद दैम राइट तो ऐसा करने से आप परमा की नेमत परमात्मा की प्रकृति के डायरेक्ट कनेक्शन में आ रहे हैं right. क्योंकि एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग बींग इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड जिसके अंदर भेदभाव नेगेटिविटी और गलत इमोशंस हो। okay. हमारी सारी प्रकृति बहुत प्योर है wow. और सारी प्रकृति में सिर्फ देने का भाव है सिर्फ ह्यूमन बींग में लेने का भाव है इसीलिए ह्यूमन बींग इज अ सफरर एंड नो बडी इन द नेचर सफर्स राइट आप देखेंगे कि पूरी प्रकृति में परमात्मा ने सबके लिए अथा दिया है अनंत दिया है अनलिमिटेड दिया है जी इनफाइनाइट दिया है तो प्रकृति में जितना भी कुछ है ना सब कुछ वेल well सेटल्ड है जी एक पशु को भी पता है कि मैंने ठीक कैसे रहना है राइट right. उनमें बुद्धि नहीं है लेकिन उनको बेसिक सब कुछ पता है ह्यूमन बींग में बुद्धि है तो वो इतना सोचता है इतना ज़्यादा अपने से बढ़कर के सोच लेता है सब कर लेता है कि वो सबसे ज्यादा सफर करता है right. नेचर में आप देखेंगे जितने पेड़ पेड़ पौधे हैं जितने भी प्लांट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं हर्ब्स हैं जितने भी फ्रूट्स के पेड़ हैं जी वो हमेशा देते हैं yes. और वो सबको देते हैं वो कभी नहीं कहते गोरा आएगा तो दे दूंगा काला आएगा तो नहीं दूंगा <laughs> या मेरे पास पुण्य आत्मा आएगी तो मैं फ्रूट दे दूंगा और पाप आत्मा आएगी तो नहीं दूंगा so उनके अंदर कुछ है ही नहीं ना right. कोई भेदभाव नहीं है ऐसे ही बिल्कुल छोटा बच्चा उसको संत क्यों कहा जाता है क्योंकि तो वो भी सबके साथ एक जैसा होता है सोच so पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारे ऊपर जैसे जैसे नेगेटिविटी आती जाती है तो हम बायस्ड और प्रॉब्लमेटिक और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर इसकी वजह से अगर आप देखें कि घरों में अगर पेट्स हैं या फिर जैसे मैंने बोला कि फिशेस एक्वेरियम होना फिशेस होना और काओ देसी गाय अगर है अगर इन लोगों के साथ देखें तो घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है अच्छा और आज भी इस चीज़ का सर्वे किया जा सकता है और शायद कहीं कुछ डाटा स्टैटिस्टिक्स हो भी कि जिन घरों में गाय होती है वहाँ बीमारियाँ भी कम होती हैं ओके okay. डिप्रेशन जैसा मरीज वहाँ नहीं होगा इफ दे आर कनेक्टेड विद कैटल जी बिल्कुल सिस्टर आप एकदम सही कह रहे हैं कि नेचर जो है ये हमें फ्री uh, में मिली है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अगर उस वैल्यू को समझ पाए तो हमारी लाइफ इन हो सकती है ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर थैंक यू फॉर कमिंग इन आर शो ओम शांति ओम शांति दोस्तों आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला मुझे क्यों ऐसा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है ना या हमारा जो मन है उसको हम शायद खुद समझ नहीं पा रहे अभी तक कि उसमें कितना पावर है कितना कुछ भरा हुआ है और उसे हम पॉजिटिविटी से भर रहे हैं या नेगेटिविटी से भर रहे हैं ट्रस्ट में इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम खुद हैं तो आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना अगला एपिसोड आपको जरूर देखना है ताकि आप और भी क्लैरिटी जान सके कि किस तरह से आप अपनी खुद के डॉक्टर बन सकते हैं इस बात के साथ आज के प्रोग्राम करते हैं। कल मिलेंगे। आपके ही शो में जिंदगी बने शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो शांति आबू रोड कॉल एट four nine one three four eight seven.